अस्सलाम वालेकुम। आज हम मसालेदार आलू बनाएंगे, जिसके लिए आलू हमने 5 लिए हैं। इनको छीलकर टुकड़े करके आलूओं को हमने थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लेना है। कुकिंग ऑयल लेंगे 4 टेबलस्पून, लेमन जूस लेंगे 2 टेबलस्पून, बटर लेंगे 2 टेबलस्पून, लहसुन के 2 जवे लेकर उनको हमने बारीक चॉप करना है, फ्रेश लहसुन लेना है। हरा धनिया लेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कटा हुआ, लेमन जूस लेंगे गार्निश के लिए। मसालों में हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कुलंजी लेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, राई दाना लेंगे 1.5 टीस्पून। अब हमने एक पैन को गरम कर लेना है मीडियम आग पर। इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है 4 टेबलस्पून, साथ ही हमने बटर डाल देना है 2 टेबलस्पून, लहसुन डालेंगे 2 से 3 जवे ले लें, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। लहसुन जो है ये बिल्कुल फ्रेश चॉप करें। अब हमने इसमें नमक डालना है 1 टीस्पून, ये पहले थोड़ा कम डाल लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, कुलंजी डालेंगे 1 टीस्पून, राई दाना डालेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब हमने मसालों को हल्की आग पर, आग को या मीडियम रख लें, लो टू मीडियम, मसालों को हमने 1 मिनट के लिए पकाना है। अब मसालों की खुशबू जो है ये आने लगी है, तब बस तब तक आप पका लें जब आपको लगे मसालों की खुशबू आ गई है। अब हमने इसमें आलू डाल देने हैं। आलू हमने 5 लिए हैं, इनको हमने थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लेना है। अब हमने मीडियम आग पर आलूओं को पकाना है, थोड़ा मिक्स कर देंगे। साथ ही हमने लेमन जूस डाल देना है 2 टेबलस्पून। आग को हमने लो टू मीडियम ही रखना है। आलूओं को हमने 5 से 6 मिनट तक बस इसी तरह से पकने देना है, इस पर हमने ढकना नहीं लगाना। आलू हमने पहले ही उबाले हुए हैं, बहुत मज़ेदार मसालेदार आलू तैयार हो जाते हैं। अब हम आलूओं को 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। आलूओं को हमने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है, 2 से 3 मिनट तक हमने और पकाना है। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी दे लें, बिल्कुल थोड़ा सा। और आलूओं को हमने इसी तरह से भून लेना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि मसाला जो है ये जले ना। हल्का हल्का पानी का छींटा देकर आलूओं को हमने भून लेना है। बहुत चटपटे जायकेदार मसालेदार आलू तैयार होते हैं। ये आप किसी भी सब्जी के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या चावलों के साथ भी खा सकते हैं, या इसी तरह से भी आप खा सकते हैं। आलूओं को हमने 5 मिनट तक पका लिया है। अब हमने इसमें हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया डालकर आग को हमने बंद कर देना है। हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे। आग को हमने बंद कर दिया है। अब चटपटे जायकेदार मसालेदार आलू हमारे रेडी हैं। सारा मसाला देखिए आलूओं पर लग गया है। 4 से 5 मिनट तक हमने आलूओं को पकाया है। यह आपने देखना है कि मसाला सारा आलूओं पर लग जाए। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। आलू
को हमने एक डिश में डाल देना है। अब हमारे बहुत ही जायकेदार चटपटे मसालेदार आलू तैयार हैं। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी मजा लीजिए, सबको दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।